ये वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉलेस्ट फाउंटेन है। बेसिकली हर एक एज के लिए कुछ ना कुछ बोटिंग के लिए निकल जाते हैं और बहुत सारे लोग स्वान्स को खाना खिलाते हैं। इसको शेल्टर देने के लिए जंगल में आ गई। सब कौन फोर्क और नाइफ से खाता? मतलब 39 फीट यूनाइटेड नेशंस की हेडक्वार्टर्स है। यहाँ मैंने शॉय का सारा खाना पैक कर लिया है और आज मैं आप लोगों को स्विट्जरलैंड में टूर करने ले जाऊंगी। तो क्या आप रेडी हैं? हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जाने वाले हैं लेक के उस साइड और वहां पे हम लोग जो पार्ट्स हम लोग लास्ट पार्ट में कवर नहीं किए हैं वो वाला आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो चलिए चलते हैं। अगर आपने मेरा पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाके मेरे चैनल में देखिए और मैं उसकी लिंक जो है वो मैं आपकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। लेट्स गो। दैट्स माय हस्बैंड एंड माय सन। और वहाँ पे है जदो। जदो की लिटरल मीनिंग है वाटर जेट। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉलेस्ट फाउंटेन है। हर एक सेकेंड ये 500 लीटर ऑफ वाटर स्प्रे करता है अप टू अ हाइट ऑफ 140 मीटर्स। इट लुक्स ब्यूटिफुल, इजंट इट? जदो लेक जिनीवा के ऊपर सिचुएटेड है और इसके ठीक पीछे जो माउंटेन्स है उसका नाम है मॉसलेव। कौन सा साइड जाना है? इस साइड की साइड उधर से डायरेक्ट बोट मिलेगा ज्यादा बोटिंग का। अच्छा, तो I think we should go on that side. Let's but it's go. A lot of work. So? Sure, I don't mind. यहाँ पे ओपन एयर कैफे कल्चर बहुत कॉमन है। मतलब लोग खुले हवा में बैठ के खाना खाना या फिर कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट राइड्स भी बहुत होते हैं यहाँ पे। बेसिकली हर एक एज के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग रखते हैं। बोट्स रेंट करते हैं और फिर स्विस सन को एंजॉय करते हैं। और बोट्स के भी बहुत सारे वैरायटीज़ हैं तो लोग उसमें से चूज़ करते हैं और फिर बोटिंग के लिए निकल जाते हैं। और इसी लेक जिनेवा में बहुत सारे स्वान्स हैं। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ के सीनिक व्यू एंजॉय करने के लिए और बहुत सारे लोग स्वान्स को खाना खिलाते हैं। It's a real treat for eyes. और ये रहे सारे varieties boat के। यहाँ के लोग outdoor activities बहुत पसंद करते हैं और weekend में तो ये लोग restaurants में ज़रूर अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं और enjoy करते हैं। वैसे यहाँ पे कोविड का सिचुएशन थोड़ा बेटर है और चीज़ें भी थोड़ा कंट्रोल में है, इसलिए लोग बिना कोई टेंशन के बाहर घूमने फिरने लगे हैं। लेक जिनेवा में नहाने के बाद लोग यहाँ पे सन रेज एंजॉय कर रहे हैं।
और यहाँ पे कुछ शावर पॉइंट्स है ताकि लोग लेक जिनेवा में नहाने के पहले और नहाने के बाद यहाँ पे शावर ले सके। जगह का नाम है बेबी प्लाश, जहाँ पे मोस्टली बच्चे स्विमिंग सीखते हैं। और पीछे एक येलो कलर का सेफ्टी मार्क लाइन भी है जिसके पीछे जाना अलाउड नहीं है अनटिल एंड अनलेस बच्चा अच्छे से स्विम करना ना सीख जाए। सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है और मोस्टली पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं। दिन का, जिसके लिए मुझे पे करना पड़ा 5.6 स्विस फ्रांस, विच इज़ अराउंड 457 रुपीस इन इंडिया। ये कार्ड 24 आवर्स के लिए वैलिड है और इसके साथ मैं कोई भी बोट या फिर ट्रैम या फिर बस में ट्रैवल कर सकती हूँ। तो अभी हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उठे हैं, इसीलिए मास्क पहनना मैंडेटरी है। तो एवरीबॉडी इज वेयरिंग अ मास्क। तो अभी हम लोग रिवर के इस साइड से उस साइड जा रहे हैं और शैडो तो एकदम साफ दिख रहा है, यहाँ पे एकदम क्लियर वाटर है। चाय का फर्स्ट बोट राइड है तो ही इज रियली एंजॉयिंग। सो वी आर डन विद आवर बोट राइड और इस तरफ है शारदा बोटानिक, तो वहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे। और यहाँ पे एक टॉय ट्रेन टाइप का जा रहा है जिसकी कोई ट्रैक नहीं है। ये एक इंसेक्ट होटल है जिसको बग होटल या इंसेक्ट हाउस भी बोला जाता है। बेसिकली ये एक मैनमेड स्ट्रक्चर है जो कि इंसेक्ट्स को शेल्टर देने के लिए बनाया गया है, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन, क्योंकि ये लोग पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं। बहुत सारे वैरायटी के इंसेक्ट्स हैं यहाँ पे। वैसे मुझे इंसेक्ट से बहुत डर लगता है, इसलिए अंदर जाने का हिम्मत बिल्कुल नहीं किया मैंने।
लोग यहाँ पे फ्लावर्स के बहुत शौकीन हैं, इसलिए डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखते हैं। वैसे मैं आपको एक डेयर देती हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे कितने सारे कलर्स के फूल मैंने इस वीडियो में आज दिखाया है। छोटी से बस जर्नी के बाद फाइनली हम लोग अपने लोकेशन यारदा बोटानिक में पहुंच गए हैं और यहाँ पे मैंने देखा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे लोकेटेड है। यारदा बोटानिक, तो ये बेसिकली बोटानिकल गार्डन है जैसे हमारे इंडिया में है और काफ़ी सारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन ऑफ ट्रीज और फ्लावर्स भी है और उसके यहाँ पे एक एक करके प्लैकर्ड दे के ये लोग काफ़ी सारे नाम वाम लिख के रखे हैं, कहाँ से इसका ओरिजिन है सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे कि एक लाइक डे आउट के लिए इट्स नाइस कि पिकनिक विकनिक मनाने आए एंड ऑल दैट। इस जगह में मोस्टली पैराग्वे के मेडिसिनल प्लांट्स है विद अबाउट 5,000 नोन प्लांट्स थैंक्स टू द लेगेसी ऑफ द गुआरानी पीपल। ये प्लेस 1817 में ओपन किया गया था लेकिन अभी फिलहाल ये पब्लिक पार्क बन गया है और ये पूरे पार्क का एरिया है 28 हेक्टेयर्स, बहुत बड़ा है ना। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं कोई जंगल में आ गई हूँ, सब जगह में पेड़ पौधे और बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सब कुछ है एक्चुअली, और बीच में से रास्ता है एक्चुअली। यहाँ चलते चलते मुझे जुरासिक पार्क मूवी की बहुत याद आ रही थी। ये है यहाँ के न्यूज़पेपर स्टैंड जहाँ पे लोग खुद आके यहाँ पे करके न्यूज़पेपर्स ले जाते हैं। वैसे वीकडेज में यहाँ पे 4 francs और सैटरडे में 4.6 francs और संडे में 5 francs लोग पे करते हैं। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे बिना पे के ये भी ले जा सकते हो न्यूज़पेपर, लेकिन कोई फिलहाल यहाँ पे ऐसा करता नहीं है। Well, I was
asking that is it possible to make the fondue without any alcohol? Without alcohol? Without alcohol? Yes. Yeah. Sans alcohol. Fondue au fromage? Possible? No, that's so no alcohol. So, yeah. So I would like to also order one fondue au fromage. Okay. Sans alcohol. Okay. Next. तो वो हमें ये देखे गए यहाँ पे, आई थिंक वो लोग आग जला देंगे और फोंड्यू एकदम हॉट टाइप का चीज, मोल्टन चीज है, तो उसको यहाँ रखे जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे ब्रेड देके जाएंगे, तो आई विल स्टिक टू इट एंड आई विल ईट इट। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया क्वात्रो फरमाजी पिज्ज़ा, जो कि चार टाइप के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से भरपूर एक पिज्ज़ा है, और साथ में मैंने अपने लिए एक चीज़ फोंड्यू मंगाया जो कि विदाउट अल्कोहल होगी। पिज्ज़ा कौन फोर्क और नाइफ से खाता है? वैसे पिज्ज़ा खाने का असली मज़ा तो इसी देसी तरीके में है ना? वेल, यहाँ पे मेरा चीज़ फोंड्यू जो कि पाइपिंग हॉट है वो आ गया अभी, और ये स्विट्ज़रलैंड का एक बहुत ही पॉपुलर डिश है जो मैं अभी खा रही हूँ। वैसे फोंड्यू खाने का एक बहुत ही यूनिक तरीका है, पहले ब्लैक पेपर थोड़ा सा प्लेट में डाल के ब्रेड को फोंड्यू फोर्क में स्टिक करके चीज़ फोंड्यू जो है उसमें अच्छे से घोल के, ताकि पूरा चीज़ ब्रेड में आ जाए, उसको प्लेट में एग्जैक्टली जहाँ ब्लैक पेपर रखा है वहाँ पे रखना है, पेपर अच्छे से चिपक जाए ब्रेड में और फिर अच्छे से सारे फ्लेवर्स आप फील कर पाओ, एंड इट्स अमेजिंग। और यहाँ मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा सा वो ब्रेड ठंडा होने का, नहीं तो मुंह जल जाने का बहुत बड़ा रिस्क है। और यहाँ पे मेरे साहबजादे भी थोड़ा चीज़ फोंड्यू को एंजॉय कर रहे हैं। और ये शॉय का लंच टाइम है, तो मैं घर से उसके लिए जो बना के लाई थी उसको मैं अभी खिला रही हूँ। वैसे माँ होना आसान काम बिल्कुल नहीं है। तो खाने के बाद ये हमारी बिल थी जिसमें हम लोग 39 फ्रैंक्स दिए, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 3180 रुपीस होता है।
ट्राम जर्नी के बाद हम लोग पहले दिन नासियो के सामने में पहुंच गए हैं। ये है ब्रोकन चेयर जो कि एक मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर है जो कि 5.5 टन्स ऑफ वुड से बनाया हुआ है और 12 मीटर्स मतलब 39 फीट हाई है और उसके ठीक सामने यूनाइटेड नेशंस की हेडक्वार्टर्स है। बिल्कुल बचपन में जो हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था वो सब कुछ मेरे आँखों के सामने है। आज यहाँ पे अल्जीरिया के कुछ लोग पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे। वैसे यहाँ पे जो ब्रोकन चेयर है वो एक जायंट सी चेयर है विद अ ब्रोकन लेग जो कि सिंबलाइज करता है ऑपोजिशन टू लैंड माइंस एंड क्लस्टर बॉम्ब्स और बेसिकली ये एक रिमाइंडर की तरह है पॉलिटिशियंस को और जो भी यहाँ पे जिनीवा में विजिट कर रहा है उनको। तो फिलहाल अभी हम लोग घर जा रहे हैं वापस, तो अभी हम लोग ट्रैम पे उठे हैं और यहाँ मेरे हस्बैंड और यहाँ पे शाय। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। घर जाते वक्त मुझे ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन बहुत ही अमेजिंग लगा।